हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ अप्पे। तो आज आप लोगों के साथ मैं अप्पे शेयर करूँगी कि इसको किस तरीके से बनाना है। कुछ डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। आपने देखा होगा कि सभी लोग ही अप्पे बना लेते हैं, पर आज मैं कुछ डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। तो यहाँ मैं पहले कर रही हूँ चटनी की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर नारियल लिया है, उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है। ये जो नारियल पानी वाला आता है वो वाला मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे यहाँ मिल जाता है आसानी से और काफ़ी सस्ते भी यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली के दाने डाल दिए हैं और इसमें डालूंगी थोड़ा सा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि उसका फ्लेवर थोड़ा सा अलग आता है। और यहाँ पे डाल दिया है मैंने नमक। नमक आप स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मतलब चटनी में खट्टानेस लाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा नींबू यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें इमली भी डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है वो इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें कम से कम एक कप पानी डाल दूंगी, जिससे वो मतलब चटनी अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अब मैं इसको पीस कर लाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चटनी पीस ली है, आप ये देख सकते हैं। और इसको मैं साइड में रख देती हूँ, अभी बाद में इसमें तड़का लगाऊंगी। तड़का सिर्फ मैं यहाँ पे राई और ये कड़ी पत्ता से और साबुत खड़ी मिर्च से लगाऊंगी, और कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करना है। और अब तैयारी करती हूँ अप्पे की। तो यहाँ पर मैंने ये चार आलू लिए हैं, इनको अच्छे से मैश कर लूँगी अंदर भरने के लिए अप्पे के। तो यहाँ पर अच्छे से मैश हो गए। अब इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया है वो भी इसमें मिला लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी एक पिंच डाल दूंगी और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि मैंने पहले ही इसमें हरी मिर्च डाल दी है। और नमक डालूंगी बिल्कुल कम क्वांटिटी में, क्योंकि हमने अप्पे में भी नमक डाल के रख लिया है। देखो, अप्पे बनाना तो गाइस हर किसी को आता है, कुछ डिफरेंट तरीके से बनाओ तो कुछ बात ही अलग होती है। आज मैं आप लोगों के साथ में सेम अप्पे की रेसिपी शेयर करूँ। आज मैं हर किसी की वीडियो में देखती हूँ अप्पे बनाते हुए, पर कुछ डिफरेंट तरीके से देखो तो बात ही अलग है। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ तो आपको पहले ही पता होगी। तो देखो, मैंने यहाँ पे छाछ रखा था बहुत सारा, तो उसमें मैंने सूजी पहले ही मॉर्निंग में ही इसको गला के रख दी थी। तो इस तरीके से हमें आलू के गोल गोल पेड़े टाइप बना लेने हैं। और मतलब ये मैं रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों को, कितनी सूजी लेनी है, कितना दही लेना है, तो ये तो आजकल सबको ही पता है। तो वो चीज़ मैंने आपको शेयर नहीं की, वो मैंने पहले से ही मिला के रख दी। और आप लोग देख सकते हैं आलू तैयार हो गए हैं। और ये जो सूजी है इसको मैं थोड़े से उसमें निकाल लूँगी और उसमें इनो मिला लूँगी, क्योंकि जब हम इनो मिला के रखते हैं तो इंस्टेंट उसको बनाना पड़ता है, फिर ऐसा नहीं होता कि उसको। तो गाइस, अप्पे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे साँचा रख दिया है और यहाँ पे कुछ लाइट का फोकस पड़ रहा है, तो मैं बार बार देख रही हूँ कि वीडियो मेरी सही दिख रही है कि नहीं। तो यहाँ पर जो ये साँचे, इनमें थोड़ा थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी राई, जो कि हम सारे उसमें डाल देंगे, जिससे अप्पे ना बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हमने अप्पे को छौंक लगाया है। तो इस तरीके से मैंने इसमें राई भी डाल दिया। अब हम एक एक करके इन सारों में कड़ी पत्ता डाल देंगे। सूजी का जो हमने वेटर बना के रखा है उसको हम इसमें डाल देंगे। और बिल्कुल हमें भर के ऊपर तक नहीं रखना है, क्योंकि हमें इसके अंदर रखना है आलू, तो बहुत कम रखना है, फिर हमें इसके ऊपर वापस से हमें लगाना है। तो हमने वेटर यहाँ पे डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे आलू। तो यहाँ पे आलू हमें बिल्कुल मीडियम साइज़ में, छोटे साइज़ में चाहिए, ऐसा नहीं बहुत बड़े हमें लेना है यहाँ पे, बिल्कुल मीडियम साइज़ में चाहिए हमें यहाँ पे आलू। तो फ्रेंड्स, यहाँ अप्पे बनाने में कम से कम हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं और यहाँ पे बिल्कुल अप्पे बनके तैयार हो गए। चटनी को भी मैंने छौंक लगा लिया था और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ तोड़ के, देखो आलू इसके अंदर कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप बनाइए तो देखना, बिल्कुल बहुत अच्छे बनते हैं। कुछ डिफरेंट तरीके से इस बार ट्राई करके आप लोग देखना।
तो चलो अब आगे बढ़ती हूँ। आप लोग देख सकते हैं अप्पे बनाने के बाद में किचन कितना मैसी हो जाता है। कुछ भी आप बनाओ, कुछ भी कुकिंग करो तो सामान ऐसे ही फैल जाता है, क्योंकि हस्बैंड भी ड्यूटी जाने वाले थे, उसी टाइम में ये अप्पे बना रही थी। तो ये लगता ना कि स्नान भूखा ना चला जाए, तो फिर जल्दी जल्दी सब चीज़ें कर रही थी और अब सारी चीज़ें खाली कर, क्योंकि बच्चों को भी मैंने नहला के तैयार किया था इसी दौरान। और अब सबको खिलाने के बाद में पापा जी तो थोड़ा सा ही उन्होंने खाया, पर ये जब ड्यूटी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा काम रहता है, कभी इनको कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। और फिर औरत की ज़िंदगी ही क्या है, हम लोगों के घर में यही तो लाइफ है कि बस सबकी सेवा करते रहो, बस यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। तो बस यहाँ पे ये जो सामान है इसको सिस्टमेटिक अब रख रही हूँ, जिसमें राई वगैरह रखी थी। इतने अच्छे से आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर भी आप लोग मेरी वीडियो को आगे नहीं बढ़ाते हो। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए दूध और कॉफ़ी। और अभी मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए दूध देने के लिए। अनीक थोड़े सा वॉल्यूम कम करो उसका। अभी मैं बच्चों के लिए दूध देने के लिए जा रही हूँ और खुद के लिए बनाऊंगी कॉफ़ी, क्योंकि सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी है। आजकल मैंने चाय पीना छोड़ दिया है। मुझे किसी ने बोला कि थोड़ा सा अपनी वीडियो में चटपटानेस, मतलब झूठी झूठी सी बातें डालो, थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का। तो ना तो मुझे कुछ झूठा आता है, ना कुछ मुझे थोड़ी सी चटपटी बातें कैसे लाऊँ। जो हूँ वो मैं ऐसी ही हूँ, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ। ज़्यादा होगा तो फिर वीडियो बनाना ही बंद कर दूँगी, अगर लोगों को नहीं पसंद आएगी तो। आप लोगों को पसंद आती है कि नहीं मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए दूध निकाल दिया, बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी, क्योंकि ना यहाँ पे मेरा ना फ़ोन बड़ा ख़राब चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने नेस्ले की कॉफ़ी ली है, क्योंकि बार बार इंटरनल स्ट्रॉन्ग बता रहा है, क्योंकि कोई भी ऐप इसमें डाउनलोड भी नहीं कर पा रही हूँ। सारी चीज़ें मैंने डिलीट कर दी, फिर भी पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो इसलिए मुझे अब दूसरा फ़ोन लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर आ गई हूँ मैं ऊपर कपड़े डालने के लिए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। और पता है मैं आधे कपड़े डाल पाती हूँ यहाँ पे, पूरे कपड़े तो मैं डाल भी नहीं पाती हूँ, मैं चली जाती हूँ नीचे, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी। और आज मेरी साड़ी भी कुछ इतनी ज़्यादा महीन है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पीठ जल सी रही है। और फिर भी मैंने चप्पल वगैरह सब पहन लिया था, फिर भी मतलब बहुत तेज़ धूप लग रही थी। तो मैं नीचे चली गई थी, आधे कपड़े डाले आधे नहीं डाले थे। देखो एक चीज़ मैंने दो दो बार बोल दिया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये जो गमले रखे हैं इनका भी मुझे मेकओवर करना है, इनका सारा कलर वगैरह मैं चेंज करूँगी। और आप लोगों को मैं थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि मैं वीडियो क्यों नहीं बनाना चाह रही। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो का बिल्कुल मेरा मन हट गया था, वीडियो में डिलीट करने जा रही थी अपना चैनल। तो मैं आपको बताऊँगी आगे कि क्यों, उसकी वजह क्या थी और क्यों इतना ज़्यादा अपसेट हो गई मैं। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अभी इनके पास। जब तक बैठो नहीं ना तब तक ये पढ़ते नहीं हैं, तो इनके पास बैठना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं ऊपर गई तब तक इन्होंने पूरे अपने जो ये कागज़ हैं फैला के रख लिए। और थोड़ी देर मुझे भी लगा कि मैं थोड़ी देर ठंडे में बैठती हूँ, ऊपर से आई हूँ धूप में, और नायशा के लिए बैठना पड़ता है। अनिक क्या थोड़ी सी मस्ती करने लगते हैं, वो बातें करने लगते हैं, बालकनी में चले जाते हैं। और इनके जो ये पेपर हैं ये निकाले गए हैं ऑनलाइन, जो इनको आती है पढ़ाई। तो फिर ऑनलाइन इतनी देर मोबाइल कैसे दे सकते हैं, बच्चों की आंखों पे भी असर पड़ेगा। तो इस पीडीएफ निकलवा लाते हैं और देखो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं, और आज मैं सुबह से ब्लॉग मेरा स्टार्ट था और बिल्कुल भी मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा अब कर लेती हूँ आप लोगों से बात। आप लोगों को मेरी आँखें दिख रही होंगी कैसी हैं, थोड़ी सी रोई रोई जैसी हैं, क्योंकि ना आपको पहले बताऊंगी अभी मतलब क्या हुआ है। पहले मैं आपको बता दूं कि सारे काम वगैरह जो हैं वो सब हो गए हैं। अभी बच्चे पढ़ाई करके बस इनको भेजा है खेलने के लिए, अनिक गए बाहर, नायशा अभी सो रही हैं दिन में। मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई, मेरा काम ख़त्म हो गया था, समथिंग 2-2.5 बजे के बीच ख़त्म हो गया था। उसके बाद आकर लेट गई थी और बस फिर नींद ही नहीं आई, बस लेटी रही मोबाइल में देखती रही। मैं क्या थोड़ा भगवान के प्रति ज़्यादा ही मेरी कुछ आस्था है, तो उनकी ही सारी चीज़ें हमेशा देखती रहती हूँ, तो वो ही मैं देख रही थी। और एक आध लोगों के कुछ ब्लॉग जो कि ब्लॉगर हैं जो जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, जैसे रश्मि हैं, इनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ ब्लॉग में। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि मैं क्यों अपसेट हूँ और मैं क्यों वीडियो बनाना बंद करना चाह रही हूँ। आप लोग बताना कि
बनाऊं कि नहीं बनाऊं या बंद कर दूं मैं, क्योंकि अब मेरा मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। अब मेरा चैनल भी मोनिटाइज हो गया, सब कुछ हो गया, हस्बैंड भी मुझे बहुत समझा रहे थे कि नहीं अब ऐसा मत करना, चैनल को बंद मत करो, तुम अपने जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, मेहनत करो। मेहनत तो कर ही रही थी, पिछले 1.5 साल से मैं मेहनत ही कर रही हूँ लगातार, मतलब घर के सारे काम करना और वीडियो बनाना। एक नॉर्मली जब हम खाना बनाते हैं वो चीज़ अलग होती है, जैसे नॉर्मली कैसे भी किचन में ऐसे पड़ा है हमने बना लिया, पर जब हम रेसिपी शेयर करते हैं तो उसके लिए हमें पहले किचन बार बार साफ करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हमें खटरांग करने पड़ता है कि मतलब अच्छा दिखाने के लिए। जैसे कोई भी काम है, घर है और खुद का भी ड्रेसअप, हमें सब कुछ करना पड़ता है कि घर के सारे काम, बच्चों को देखना, सब कुछ करना। ऐसे ही मैंने, अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि हुआ क्या है कि वीडियो बनाना मैं क्यों बंद करना चाह रही हूँ। मतलब जब ऐसा हुआ था ना तो मैं अकाउंट बिल्कुल डिलीट करने वाली थी, वो कहूँ मेरे हस्बैंड ने मुझे रोक लिया कि अब मैं नहीं बनाऊँगी। अच्छी खासी मेरी ज़िंदगी चल रही थी, सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा था, मैंने पता नहीं क्यों खोला ये अकाउंट, क्यों मैंने ये चैनल बनाया, क्यों मैं फालतू में ये सब खटरांग किया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये चैनल की वजह से ही घर चलेगा। मेरे हस्बैंड मतलब गवर्नमेंट जॉब पे हैं, पुलिस में है मेरे हस्बैंड, सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस ये है कि अपनी खुशी के लिए, कि एक हैं जो टैरो कार्ड निकालती हैं, एक मैडम है बॉम्बे की, उनका नाम फिर कभी आगे मैं बताऊँगी, तो उनको मैंने संभावना सेठ की उसमें वीडियो में देखा था, तो उन्होंने बोला मेरे से बात करने के 25 मिनट के कुछ 1500 रुपये लगेंगे, तो मैंने उनको 1500 रुपये उनके अकाउंट में दे दिए। और फिर जब मैं बात करने, आपने देखा होगा वो स्टोर रूम, उसमें गई और बात की, उन्होंने सीधे ही बोला आपके उसमें कुछ है ही नहीं, आपका तो चैनल चलेगा ही नहीं, आपके तो कम से कम 4-5 साल ऐसी मेहनत लगी, उसके बाद भी कुछ ठीक ठाक से नहीं होगा, या तो आप किसी के साथ मनाओ, या झूठी झूठी सी बातें डालो, या कुछ चटपटा सा डालो, ऐसा कुछ डालो जिससे तुम्हारा वीडियो चले। तो एक तो सबसे सिंपल सी बात है कि झूठी मतलब झूठी मूठी बातें कैसे डाल दो, जैसे कुछ लोगों के थंबनेल ऐसे होते हैं बाहर कि कुछ है और अंदर कुछ निकलता कुछ और है, तो ऐसे मैं नहीं डाल सकती, क्योंकि फिर बहुत हेट कमेंट आते हैं, वो मुझे सुनना नहीं है। मैं क्यों किसी की सुनूं और क्यों किसी के हम हेट कमेंट सुने, क्योंकि जब हम सही काम कर रहे हैं तो वो मुझे डालना नहीं है। और दूसरी चीज़, कुछ चटपटा क्या लेकर आऊँ मैं, जो एक नॉर्मल हाउस वाइफ हूँ, मैं डेली का ब्लॉग शेयर करती हूँ, तो बस वही तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, और कुछ एक्स्ट्रा मैं क्या डालूँ। तो और बस यही कि, तो मैंने कहा मैम मैं क्या करूं, वो टैरो कार्ड निकालती, मतलब एक कार्ड निकालती हैं तो उससे हमारे क्या चल रहा है लाइफ में, तो उनने मुझे लगता है कुछ ठीक ठाक से नहीं बताया। तो जब मैंने उनसे बोला कि मैम आगे क्या करूं, आपकी क्या इच्छा है वो करो, ऐसी करके मतलब टरकाती रही, मुझे ऐसा लगा कि वो टरकाती रही मुझे, बोली क्या करोगे, और कुछ कर लो, पढ़ा लो, टीचिंग कर लो, ये सब कर लो, आपकी तो लाइफ बोरिंग है, ये सब ऐसी करके मतलब ये सारी बातें करती रहे। तो बोले ये चैनल डिलीट कर दो। अब तो मतलब वीडियो कॉल पे जब वो थी ना, तभी से ही मैं रोना स्टार्ट कर दिया, मतलब उन्हीं के सामने। जब आपसे कोई बोल दे, आप जिस काम में लगे हो, जिसमें मतलब धूमधाम से लगे हो, मतलब सब कुछ भूल गए उसके लिए, मतलब इस चैनल के लिए मैं 5 बजे उठना स्टार्ट कर दिया, पहले मैं 6 बजे उठती थी, पर जब से वीडियो वगैरह बनाने लगी, क्योंकि काम हमें पूरा मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए मैं 5 बजे उठने लगी तब। और कोई भी यूट्यूबर हो, अगर आपसे कोई बोल दे कि चैनल डिलीट कर दो, तो कैसा लगेगा, भले अब मुझे 4-5 साल लगें या कितने भी लगें, बस 4-5 साल लगे, पर अब डिलीट तो नहीं करूँगी। हस्बैंड ने बहुत समझाया मुझे, जब मैं रोती हुई नीचे आई ना, तो ये सो रहे थे, नाइट करके आए थे, तो इन्होंने मुझे बहुत समझाया और बोले ऐसे किसी की बातों में आके तुम अपना चैनल डिलीट कर दोगे, क्योंकि उस टाइम मैं बिल्कुल, मेरा माइंड बिल्कुल मतलब पता नहीं सुन हो गया था, मुझे ये लग रहा था कि मैं अब बस अपना चैनल डिलीट कर दूँ, मुझे वीडियो बनाना ही नहीं। जब 4-5 साल बहुत लंबा टाइम होता है, 1.5 साल हो गया मुझे, तो बस इसीलिए मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी वीडियो बस अब स्टॉप करती हूँ और बस अब ख़त्म कर देती हूँ इस चैनल वगैरह। तो अभी मुझे काफ़ी लोगों ने समझाया, जैसे मेरे फैमिली के हैं, मेरी बुआ की लड़की है, मेरे ताऊ जी का बेटा है, बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत समझाया, क्योंकि सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली में कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, सब मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे मायके में भी और यहाँ ससुराल में भी। तो ससुराल में भी मेरी जो ननद वगैरह हैं, इन्होंने भी समझाया कि नहीं ऐसे नहीं करना, किसी के
दीपिका है, फिर बोले बनाओ ना, तुम्हें कौन से तुम्हारे पैसे खर्च हो रहे हैं या तुम्हें कौन सी इतनी किस चीज़ की कमी पड़ रही है जो तुम वीडियो बनाना बंद करना चाहती हो। तो गाइस बस यही टॉपिक था मेरा कि मैं वीडियो बनाना क्यों बंद करना चाह रही थी, क्यों अपना अकाउंट डिलीट कर रही थी। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस तरह की गलती आप लोग भी मत करना कभी भी, कि किसी के लिए 1500 रुपये तुरंत अकाउंट में डाल देना। पता है मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है, मतलब मेरे हस्बैंड ने तो नहीं डाले थे, वो मैंने मेरे भाई से डलवाए थे, क्योंकि इनको इन चीज़ों से इतनी ज़्यादा चिढ़ है, मतलब बहुत ज़्यादा ही चिढ़ते हैं ये, मतलब गुरु वगैरह जो पैसे लेते हैं ना इनको बहुत चिढ़, तो मैंने इनको बताया भी नहीं था, मैंने मेरे भाई से ही डलवाए थे। तो बस इनको जब पता चला तो बोले फ्री में तो कोई देखेगा ना, बताओ क्या हुआ है क्या। तो पूरी राम कहानी इनको जब सुनाई तो बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ी, थोड़ा गुस्सा भी हुआ, इनका गुस्सा भी सुना, पर यार 1500 रुपये ऐसे ही नहीं आ जाते यार। तो फिर चलो कोई बात नहीं, चले गए तो चले गए, पर ये है कि अब देखो आगे मेहनत करती रहूँगी इसी तरीके से, आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और आगे ऐसी ही वीडियो आप लोगों के साथ में अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग भी इस तरीके से मत फंसना और इस तरीके से पैसे किसी के भी खाते में मत डाल देना, कि मुश्किल से उन्होंने मेरे से 15 मिनट बात की होगी, उससे ज़्यादा बात नहीं की थी। पर जब कमाने को जाओ ना तो 100 रुपये भी ऐसे नहीं निकलते हैं, मतलब ऐसे नहीं कमाए जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है कमाने में। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।